भाजपा एहो जी शातर पार्टी है जिहड़ी लोकां च गुमराह करन प्रचार करन लई अज तक दियां सारियां पार्टियां दियां सरकारां नूं पिछे छड गई है। सरकार दियां बहुत सारियां ताकतां उहदियां एजेंसियां लीडरशिप नूं बंडण लगियां, लीडरशिप नूं धमकियां दिंदियां, पर यह लीडरशिप डरन वाली नहीं, सिर्फ तुहातों डरदी है भई देखियो किते गुमराह ना हो जायो। सरकार दियां एजेंसियां दे प्रचार विच भुलेखे च ना रहो, अंदोलन तुहाडा शिखर ते गया होया, कोई ताकत तुहानूं जित्तण तों रोक नहीं सकदी है, मैं तुहानूं यकीन दवाना। कि साडे पक्के पैरी बैठण दी निशानी इह वी है, असीं पक्खे फिट करन लग पए, असीं कूलर उत्ते लाउण लग पए, उत्थे एसी फिट हो रहे हैं, उत्थे असीं अपने घर पक्के बना लए ते उत्तों असीं हिलण वाले नहीं जदों तक फतेह नहीं हुंदा मोर्चा। आ जिउंदे रहण साडे भरा जिहड़े सारी दुनिया च बैठे ने, हुंदी आ फंडिंग बाहरों, साडे ही ने सानूं फंडिंग करदे ने, उह आउंदे ने इत्थे अपने भरावां नूं कुछ ना कुछ दे के चले जांदे ने। अपनी लीडरशिप वल्लों सारियां जथेबंदियां वल्लों इह वादा करदा भई अंदोलन किसे कीमत ते लीडरशिप ते पैरों नहीं हारेगा। सरदार भगत सिंह उन्हां दे साथियां दी कुर्बानी नूं याद करन लई इकत्तर होए, मेरे बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों आए भरावो, बच्चियो, भैणो, बीबीओ ते मंच ते बैठे आगू साहिबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करांगा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक मैं बेनती है इस पासे खड़े सज्जनां नूं जरूर करनी चाहांगा, जदों भी कोई सज्जन इत्थे बोलन उठदा शोर बहुत हुंदा है, ये तुहाडा अपना प्रोग्राम है, इत्थे तुहाडियां गल्लां होणियां, कोई पोलीटिकल गल्लां नहीं होणियां, किरपा करके चुप दा दान बख्शो। दोस्तो मैं थोड़ियां गल्लां तुहाडे नाल करनी है। अज तुसी सरदार भगत सिंह और उन्होंने साथियों की कुरबानी नूं याद करन लई नतमस्तक होण लई इत्थे आए हो। अज दा दिन तुहाडे लई भी बहुत वड्डा इतिहासिक दिन है, जदों तुसी ये संकल्प लैणा है वी जिहड़ी सर भगत सिंह की कुरबानी तो बाद जो कमी रह गई उहनूं पूरी करन वास्ते तुसी अज अंदोलन विच रुझे होए हो। तुहाडा ये अंदोलन अज सिर्फ पंजाब दा अंदोलन नहीं रहा, यह विश्वव्यापी अंदोलन हो निबड़िया। मैनू इस अंदोलन दा फुरना 2017 दे अक्तूबर महीने च जदों मैनू सरकार ने नीति आयोग दी मीटिंग च सद्या, उत्थों सरकारी वर्शन सुन के मेरे मन विच आया भई सरकार कुराहे पैण लगी है, अज नहीं कल इहदे लई इक वड्डा अंदोलन खड़ा करना पएगा। फरवरी 2020 विच इस अंदोलन का बिगल बज चुका सी, 5 जून नूं सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कीते, असी सारियां किसान जथेबंदियां इकट्ठियां होके अंदोलन की रूपरेखा तैयार करके अंदोलन नूं तेज करन लगे। मैं इह साफ कर दियां, कोई सज्जन कहिंदे होणगे कामरेडां दा अंदोलन है या कोई धार्मिक अंदोलन है, एक किसानां दा अंदोलन है। इत्थे कामरेड वीरां दा वड्डापण है भी उन्होंने इस अंदोलन विच किसे वेले भी कामरेडी नहीं कोटी, उन्होंने इस अंदोलन विच किसान मुद्दियां नूं तरजीह दे के अपना बलदार अहम रोल अदा किया है, इस करके एक किसानी सोच का अंदोलन है, इत्थे कोई पर्टिकुलर सोच नहीं, जे है तो सिर्फ ते सिर्फ किसानी सोच है जिदे ते आधारित यह अंदोलन चल रहा है। साडे नाल ना तो कोई साडा बच्चा नौजवान निराश होया ना अज निराश है, अज उत्ते शंभू बॉर्डर ते सिंघू बॉर्डर ते वड्डी गिणती विच किसान इकट्ठे होए है, नौजवान इकट्ठे होए है, उत्थे भी इसे तरह का समागम चल रहा है। मैं तुहानूं एक गल्लों चौकस करना चाहुंना, भाजपा
इहो जी छात्र पार्टी है जिहड़ी लोकां च गुमराह करन प्रचार करन लई अज तक दियां सारियां पार्टियां दियां सरकारां नूं पिछे छड गई है। 3700 बंदा इन्हां ने अपने IT सैल विच भर्ती कीता होया है, जिहड़ा अंदोलन की लीडरशिप नूं बदनाम करन की कोशिश करता है, तरह तरह के सोशल मीडिया से मैसेज पाउंदा है, लोकां नूं गुमराह करता है, साडी लीडरशिप नूं गालां कढ़न दा काम करता है ताकि इदां लगे जिवें लोक गालां कढ़दे होण। इस तों तुहानूं चौकस रहण दी लोड़ है। मैं एक गल तुहानूं स्पष्ट दसदा, जिहड़ी साडी जिम्मेवारी है, अज सरकार मेज़ ते क्यों नहीं बहिंदी ये समझ लेना चाहीदा। सरकार अज तक दे सब तों वड्डे झूठियां दी सरकार है। असीं पहलियां 4 मीटिंगां विच जिहड़ियां 6-6 घंटे चलियां, कलास बाई कलास बहस करके कल्ले कल्ले कानून नूं देश विरोधी अते संविधान दे विरुद्ध साबित कर चुके हैं। सरकार नूं साडी किसे गल दा जवाब नहीं सी। इहो गल है जिहड़ा अज कहिंदे ने सोधा करांगे, कोई सुपना नहीं आया उहनां नूं सोधां दा। जदों असीं एक एक कलास ते बहस करदे सी उदों ही कहिंदे सी अच्छा इहदे च आ सोध कर दिंदे आ, दूजी कलास ते बहस करदे सी अच्छा इहदे च आ सोध कर दिंदे आ, फिर सोधां दी इक लंबी लिस्ट बन गई जिहनूं असीं रिजैक्ट कीता। ते सानूं सरकार दे मंत्री कहिंदे आ, एक वड्डा मंत्री कहिंदा मीटिंग विच, भरावो कोई ऐसा रस्ता लभो जिहदे नाल सरकार दी वी इज्जत बच जाए, तुहाडा वी काम हो जाए। इहदे माने की है? इहदे माने इह है वी सरकार हार चुकी है, इखलाकी तौर ते सरकार दी हार हो चुकी, तुहाडे डेलीगेशन दे अगे बैठण दी हिम्मत नहीं, इसे करके अज आने बहाने गलबात तों टाला वटदी है। और मैं तुहानूं यकीन दवाना चाहना, तुहाडी इह लीडरशिप इन्नी तैयार है इस सरकार कोल कल्ले कल्ले कानून ते बहस करन लई, इस सरकार कोल तुहाडी इस लीडरशिप दा इहदी टीम दा कोई जवाब नहीं। उह लाजवाब हो जांदे ने, इस करके उठ के मीटिंग छड्ड के चले जांदे ने। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं इक्को बेनती करनी है, आउण वाला समां बहुत ही गंभीरता नाल लड़न दा समां है। मैं इह कह सकदा क्योंकि इस अंदोलन का धुरा पंजाब है, पंजाबी ओ तुहाडी साख सारी दुनिया विच इज्जत विच नंबर एक ते गई है, इस अंदोलन ने तुहाडी सारी दुनिया विच इज्जत बधाई है, इस अंदोलन ने भाईचारा मजबूत किया है, जात पात खत्म की है, मानस की जात सभ्य एक है पहचान वो, इस अंदोलन ने गुरु नानक पातशाह ने जेड़ा राह दिखाया उस रस्ते ते चल के इहनूं सफलता दे नेड़े लै आंदा है, और इस अंदोलन ने जुरत कीती है जो गुरु नानक पातशाह ने कहा राजे सिंह मुकदम कुत्ते, इतिहास हम शाही से नहीं मिटाते मुंह ते अजो कहंदे ने इतनी बड़ी, क्योंकि उहनां कोल सरकार है, उहनां कोल मीडिया है, ओ गाड़ा कुन प्रचार करदे ने नीति तुहाडे। इस अंदोलन ने जाके दूजे राज्यां विच जदों उहनां नूं होर कुछ समझ नहीं पैंदा, सिर्फ वोट दी राजनीति दी समझ पैंदी है, इस अंदोलन ने फैसला कीता तां वोट ते चोट करो। असीं बंगाल च जाके उत्थे दे बंगाल दे भरावां नूं इक अपील कीती, अज स्थिति इह है भई तुसीं पढ़िया होणा सोशल मीडिया ते, परसों भज्जिया स्टेज तों अमित शाह केंद्र दा गृह मंत्री लोकां किसानां दे नारियां दे नूं सुण के स्टेज तों भज गया और डिग पिया। भाजपा दे कैंडीडेट मैदान चों हट रहे ने, भज रहे ने। अज सारे देश विच साडे कोलों उन्नियां कानफ्रेंसां उन्नियां रैलियां अटेंड नहीं हो रहियां, इन्ने तुहाडे लीडर नहीं जिहड़े सारे देश विच थां थां जा सकण, जिन्नी डिमांड है सारे देश विच उसल वटे लै रहे अंदोलन, बहुत तेजी नाल अगे वध रहा है।
अज ये अंदोलन मैं जिवें शुरू च कहा सिर्फ तुहाडे पंजाब दा हरियाणे दा राजस्थान दा दिल्ली दा यूपी दा या भारत दा अंदोलन नहीं रहा यह सारी दुनिया का विश्वव्यापी अंदोलन हो गया। अज कारपोरेट वर्सिज लोग यह स्थिति पैदा हो गई जिथे मोदी ने इनू खेती सैक्टर नू कारपोरेट सैक्टर बनाने की कोशिश की सी उत्थे अज सारी दुनिया के कारपोरेट्स ये चिंता च पै गए कि जे हिंदुस्तान का यह अंदोलन कामयाब हो गया तो सारी दुनिया में लोग कारपोरेट्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे उसकी लुट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लड़ाई इत्थे खड़ी है। मैं तुहानू एक बेनती करा तुहाडे ते एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। सानू बहुत कुछ कह लिया सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी ये सब कुछ कह के देख लिया। ये पंजाब का अंदोलन ये पंजाब हरियाणे का अंदोलन फिर उत्तरी भारत का अंदोलन जदों असी सारे देश में रेलां रोकियां 21 राज्यां च रेलां जाम हो गई तो सरकार का मूँह बंद हो गया। तो इसलिए यह गल ख्याल रखियो सरकार दियां बहुत सारियां ताकतां उहदियां एजेंसियां लीडरशिप नूं भंडण लगियां लीडरशिप नूं धमकियां दिंदियां पर यह लीडरशिप डरन वाली नहीं सिर्फ तुहातों डरदी है भई देखियो किते गुमराह ना हो जायो सरकार दियां एजेंसियां दे प्रचार विच भुलेखे च ना रहो अंदोलन तुहाडा शिखर ते गया होया कोई ताकत तुहानू जितण तो रोक नहीं सकदी है। मैं तुहानू यकीन दवाना तो अज सार भगत सिंह होरां दे उहनां दे साथियां दे शहीदी दिन ते तुसी आए हो तुसी गुरु नानक पातशाह दे वारस हो। मैं एक गल बेनती जरूर करनी है जिहड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्सट है वो ये है कि असी जिहड़े बुढ़े हाँ थोड़ा जिहा अपने परिवारों विच डरन लग पए हाँ नवीं पीढ़ी अपना चेहरा मोहरा बिगाड़ रही है केस कटा के तुहाडी पछाण जिहड़ी आ खुरद बुरद हुंदी जांदी है दुनिया विच। जे किते इहनू मेरी अपील नू तुसी सुणदे हो इहदे ते अमल करो कोई समा सी तुसी पगड़ियां बन्नण लग पए सी यह भी अज लोड़ है समय की क्योंकि तुसी आधार हो इस अंदोलन का साड़ी नवी पीढ़ी इस अंदोलन का आधार है तुसी साड़ी ताकत हो असी ठरम्बे नाल तुहानू समझा सकते हैं ताकत तुसी हो लड़िया तुहाडे सिर ते जाना है अंदोलन लड़िया जा रहा है पर अपने विरसे नू भी पछाणो असी यह ख्याल रखिए जिन्हें आधार तैयार किया जिम्मेवारी भी वध हुंदी है। इस अंदोलन का आधार पंजाबियों ने तैयार किया सरकार कह रही है भाई जी उतों मोर्चे चो लोग जान लग पे उन्होंने ये नहीं पता भी साढ़े हर पिंड फैसला यह हो गया पिहाड़ी की पार्टी है वह भी करनी है जोड़ा छोटा पिंड वह 10 बंदे व्डा पिंड 20 बंदे उ बिठा के रखेगा उन्होंने ये भी दींद है भी साढ़े पक्के पैरी बैठने की निशानी यह भी है असी पक्के फिट कर लग पे असी कूलर उत्ते लाउण लग पए उत्थे एसी फिट हो रहे हैं उत्थे असी अपने घर पक्के बना लए ते उत्थों असी हिलण वाले नहीं जदों तक फतेह नहीं हुंदा मोर्चा। सरकार कहिंदी है इन्हां नूं फंडिंग बाहरों हुंदी है अज आउंदे रहण साडे भरा जिहड़े सारी दुनिया च बैठे ने हुंदी है फंडिंग बाहरों साडे ही ने सानूं फंडिंग करदे ने उह आउंदे ने इत्थे अपने भरावां नूं कुछ ना कुछ दे के चले जांदे ने। इत्थे बार बार की अनाउंसमेंटा हो रही है जिहड़े साडे वीर विदेशां च बैठे ने इत्थे आके जिहड़े शहीद हो गए उहनां दे परिवारां दी मदद दा थां थां ऐलान हो रहा है। तो यह अज तुहाडी पग दा सवाल है तुहाडी इज्जत दा सवाल है क्योंकि तुसी आधार हो इस अंदोलन दा ते मैं तुहानूं अपनी लीडरशिप वालों सारिया जथेबंदियों वालों ये वादा करदा भाई अंदोलन किसी कीमत पर लीडरशिप के पैरों नहीं हारेगा। हाँ तुसी जरूर ख्याल रखियो सरकारी एजेंसियां भाजपा दियां जिहड़ियां आईटी सैल है उहदियां गल्लां विच नहीं आउणा अंदोलन नूं कमजोर नहीं करना अंदोलन तुहाडा जितेगा जितेगा जितेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज विजिट करो www.nirpakhpost.com।